भी फ्लैट में अभी फंसे हुए हैं लोग, उनसे एक निवेदन है कि ज्यादा हड़बड़ी ना मचाएं, अभी बॉम्ब डिस्पोजल टीम आपके समक्ष आएगी, ठीक है। और किसी को कोई भी सूचना देनी है तो 112 पे कॉल करके बता सकते हैं कि उनका नाम, फ्लैट नंबर के कहां पे वो छुपे हुए। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि कोई भी हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल टीम, स्वाट टीम अभी आपको रेस्क्यू मिशन में आएगी। और किसी के पास अगर कोई भी फिर भी एक इमरजेंसी कॉल करनी है तो 112 पे अपना फ्लैट नंबर के साथ बता सकते हैं। हमें 11 बजे सूचना मिली थी एग्जैक्टली 10:56 पे कि यहाँ पे कोई बॉम्ब के चांसेस हैं और यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो तुरंत हमें कंट्रोल रूम में एज ए जैसी इन्फो मिली तो बीइंग इंसिडेंट कमांडर सारे जो HODs हैं उनको कंट्रोल रूम में बुलाया गया और फील्ड में पहुँचने के लिए इन्फो दी गई। विद इन टाइम लिमिट में जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, फायर सर्विस हो गई, सिविल डिफेंस हो गई, पुलिस की टीम हो गई, NDRF की हो गई, SDRF की हो गई, बॉम्ब स्क्वाड हो गए, हमारे आशा वर्कर्स हो गए, ये सारे टाइम टीम पे तुरंत विद इन रिएक्शन टाइम से इनके नोट कर लिए गए हैं और ये यहाँ पे पहुँचे। ये एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज थी जिससे 16 लोग की अंदर की वो थी, तो टीम जब अंदर गई तो सिविल डिफेंस की टीम और बॉम्ब स्क्वाड की टीम एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की SDRF NDRF की दोनों टीम जब अंदर गई तो पता चला कि टोटल 15 व्यक्ति अंदर हैं जो कि सेफली बाहर निकाल लिए गए हैं। कोई ऐसी मेजर कैजुअलिटी की इन्फो नहीं थी, टोटल छोटी मोटी चोटें थी जो कि टीम निकालने के बाद हेल्थ की टीम से यहाँ पे फर्स्ट एड देके और हॉस्पिटल भेज दिया गया है। लेट्स सी वहाँ से क्या फाइनल रिपोर्ट आती है ट्रीटमेंट होने के बाद। और जितनी भी जैसे फायर सर्विसेज हैं वो भी उन्होंने अपना रोल प्ले किया यहाँ पे, तो जितने भी सर्विसेज जो इमरजेंसीज होती हैं एक किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे जिनका रोल होता है वो सारी टीम्स यहाँ पे अवेलेबल रही और बहुत अच्छे से ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुई।